नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल वेली आरजे एक्सपर्ट पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एलओआर नंबर किस प्रकार ले सकते हैं और एक्चुअल में दोस्तों ये एलओआर नंबर होते क्या है। इससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो दोस्तों डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे और दोस्तों आपको इस वेबसाइट का फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार नज़र आ जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एलओआर नंबर है वो होते क्या हैं और इससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों एलओआर नंबर होने से गवर्नमेंट द्वारा दिए जाने वाला लोन दोस्तों आप बिना ब्याज पर ले सकते हैं, पर दोस्तों इसकी एक कंडीशन है, आप कोई भी कारोबार या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं वो दोस्तों आपके नज़दीकी शहर में आप करते हुए रहने चाहिए। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप एलओआर नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप दोस्तों बिना ब्याज के लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अप्लाई फॉर LOR, उससे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको लोन के लिए अप्लाई भी आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, पर दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर LOR नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसी पर क्लिक कर देते हैं। हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर डालकर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर OTP टाइप कर दी है, इसके बाद में हम वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं। हम जैसे ही वेरीफाई OTP पे क्लिक करोगे तो दोस्तों हमारे सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर कस्टमर के जो आधार नंबर है वो फिल करने के लिए बोले जा रहे हैं। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर कस्टमर के आधार नंबर फिल करते हैं। तो आपको कस्टमर के आधार नंबर फिल करके सिंपली आई नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। आई नॉट रोबोट पे क्लिक करने के बाद में सिंपली आप यहाँ पर वेरीफाई विथ OTP भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपके यहाँ पर विथ बायोमेट्रिक पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप यहाँ पर OTP से वेरीफाई कर सकते हैं, अगर आधार में लिंक नहीं है तो आप यहाँ पर कैंडिडेट के थंब से भी यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिंपली हम वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं। हम जैसे वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगी। तो सिंपली इस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद सिंपली हम यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पर वेरीफाई करोगे तो दोस्तों आपके सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपके पास में एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। और दोस्तों अब आपको यहाँ पर 3 स्टेप कंप्लीट करनी है, यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट एप्लीकेशन। दोस्तों आपको यहाँ पर ये 3 स्टेप कंप्लीट करनी है। फर्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको ये फॉर्म कंप्लीटली यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि ये फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर अपना स्टेट आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहां पर स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको यहां पर आपकी यहां पर तहसील, आपकी पंचायत आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपके वार्ड नंबर आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो कम्प्लीटली आपको यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर अपना कस्टमर का नाम सेव हो जाएगा। इसके बाद में आपको अपने कस्टमर का जो फादर्स नेम है वो आपको फिल करना है। यहाँ पर कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में कस्टमर का जो मैरिज स्टेटस है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपके कस्टमर के मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कस्टमर का जो जेंडर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कस्टमर की जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है, ST OBC जो भी है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर अगर कस्टमर में कोई डिसेबिलिटीज़ है तो जो आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको कस्टमर में कोई मिनोरिटी है तो दोस्तों आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल कर लिए हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट्स के जो नंबर है वो आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे, दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर अपने जो फैमिली के मेंबर है कि दोस्तों आपने जिस कस्टमर को लोन दिला रहे हैं उस कस्टमर के परिवार में कितने मेंबर हैं, 2, 3, 4 जितने भी मेंबर हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं 3 मेंबर है। 3 मेंबर सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर जो उसके परिवार में मेंबर है वो तीनों मेंबरों की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर फर्स्ट मेंबर का नाम डालना है, सेकंड मेंबर का नाम डालना है एंड थर्ड मेंबर का नाम डालना है। इसके बाद में जो कस्टमर लोन ले रहा है उससे उसका क्या रिलेशन है, फादर है,
मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, सन है, डॉक्टर है, जो भी रिलीजन है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद में इन तीनों, इसके बाद में उसके विथ फैमिली की यहाँ पर तीनों की एज आपको यहाँ पर डाल देनी है, जैसे कि कितनी एज है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एड्रेस एज पर केवाईसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों कस्टमर का एड्रेस आपको फिल हुआ मिल जाएगा। कस्टमर का एड्रेस फिल होने के बाद ही सिंपली आपको यहाँ पर नीचे क्लिक करना है। अगर आपका दोस्त तो दोस्तों कस्टमर का एड्रेस अगर परमानेंट एड्रेस आधार एड्रेस से सेम है करंट एड्रेस, तो सिंपली आपको यहां पर सेम एज अबव पे क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों कस्टमर का परमानेंट एड्रेस आधार एड्रेस से यहां पर ऑटोमेटिक ही पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको यहां पर स्क्रॉल करना है। इसके बाद में दोस्तों यहां पर पूछा जा रहा है नेम ऑफ एक्टिविटी, यानी कि दोस्तों कस्टमर क्या काम करता है। जो भी कस्टमर काम करता है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहां पर आपको यहां पर मोबाइल सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहां पर कस्टमर कितने टाइम से काम कर रहा है वो दोस्तों यहाँ पर आपको ईयर मेंशन कर देना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको मंथ मेंशन कर देना है, यानी कि कस्टमर दोस्तों कितने ईयर से काम कर रहा है वो आपको यहाँ पर डेट फिल कर देनी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लॉयल्टी एरिया बिल्डिंग, यहाँ पर कस्टमर के जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आपको कस्टमर का नियरेस्ट जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और यहाँ पर कैंडिडेट का जो पिन कोड है जहाँ पर कैंडिडेट काम करता है, जहाँ पर कोई छोटा मोटा वो वर्क करता है वहाँ का पिन कोड आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, और जहाँ पर काम करता है वहाँ पर नियरेस्ट कोई जगह है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर वेडिंग डेज दोस्तों आपको यहां पर फिल करना है कि कस्टमर कितने 7 दिन में कितने दिन काम करता है। अगर कस्टमर 7ों दिन वर्क करता है तो ऑल डेज भी आपको यहां पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों यहां पर आपको कैंडिडेट का टाइम, यानी कि दोस्तों कैंडिडेट कहां पे कितने दिन काम करता है और कितना टाइम काम करता है, तो आपको यहां पर टाइम फिल कर देना है। जैसे कि कैंडिडेट सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक यहां पर काम पे आता है, यहाँ पर 7 AM टाइप करके शाम को 5 PM टाइप कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद में दोस्तों कैंडिडेट क्या काम करता है, उस काम के अगर आपके पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने हुए हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर यस नो पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास में दोस्तों डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हुए हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर सभी पे नो पर क्लिक कर देना है। सब पर नो पर क्लिक करने के बाद भी सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इस फॉर्म को हम बाकी के कम्प्लीटली फिल कर देते हैं, इसके बाद में सबमिट करके आगे दिखाते हैं आगे क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट है वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म आ जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक अपनी एक आईडी एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है, और जैसे आपकी दोस्तों यहाँ पर आईडी अपलोड हो जाती है तो सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो कम्प्लीटली यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों ये जो डिक्लेरेशन है, इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, और आपके जो यहाँ पर रेफरेंस नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, वो भी दोस्तों आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। आपको इन नंबर को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको CSC पेमेंट पे क्लिक करके दोस्तों CSC के वॉलेट से आपको 12 रुपये यहाँ से कटवा देना है, जिससे कि दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप डाउनलोड पे क्लिक करके जो इसकी स्लिप है वो भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांजेक्शन स्टेटस पर क्लिक करके इसका ट्रांजेक्शन का स्टेटस आप वगैरह देख सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। इस प्रकार से आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 100% रेस्पॉन्स मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। फिर भी आपका कोई सवाल जवाब रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।